नमस्कार, मैं उप्रिया। आज है 1 सितंबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,36,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते दिन पिछले 24 घंटे में 1,324 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या 1,36,337 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 22, अरवल में 19, औरंगाबाद में 27, बांका में 13, बेगूसराय में 36, भागलपुर में 125, भोजपुर में 43, बक्सर में 24, दरभंगा में 18, पूर्वी चंपारण में 52, गया में 52, गोपालगंज में 58, जमुई में 14, जहानाबाद में 14, कैमूर में 7, कटिहार में 14, खगड़िया में 20, किशनगंज में 12, लखीसराय में 17, मधेपुरा में 42, मधुबनी में 68, मुंगेर में 10, मुजफ्फरपुर में 72, नालंदा में 34, नवादा में 3, पटना में 154, पूर्णिया में 65, रोहतास में 20, सहरसा में 33, समस्तीपुर में 40, सारण में 26, शेखपुरा में 14, शिवहर में 12, सीतामढ़ी में 27, सिवान में 24, सुपौल में 31, वैशाली में 30, पश्चिम चंपारण में 28। वहीं कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 1,19,572 मरीज ठीक हो चुके हैं, वहीं 694 लोगों की जान जा चुकी है। प्रणब मुखर्जी की दुनिया से अलविदा कहने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई नेताओं ने जताया शोक। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बीते दिन दुनिया को अलविदा कह दिया है। वहीं उनके गुजरने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रणब मुखर्जी प्रख्यात राजनेता, कुशल प्रशासक, प्रखर वक्ता और राजनीति के ऐसे अजात शत्रु थे जिन्हें पक्ष और विपक्ष समान रूप से आदर और सम्मान देते थे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉ मदन मोहन झा ने भी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के गुजरने पर शोक संवेदना व्यक्त की है। वहीं लालू राबड़ी और तेजस्वी यादव ने भी शोक जताया है। बिहार के प्रवासियों के लिए आई खुशखबरी। बिहार के हर जिले में छोटे उद्योग खोले जाने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप अब जिले में कुल मिलाकर 189 छोटे उद्योग को खोलने की योजना बनाई जा रही है, जिसको लेकर जिला औद्योगिकी के नवप्रवर्तन योजना के तहत खोले जाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए सरकार ने सभी जिलों को 50-50 लाख रुपए आवंटित कर दिए हैं। आपको बता दें, बेगूसराय और कैमूर में 4 जगह काम शुरू होने का दावा उद्योग विभाग की तरफ से पहले ही किया जा चुका है, जहां छोटे उद्योग में प्रवासी श्रमिकों का समूह बनाकर उन्हें रोजगार दिया जा रहा है। हर समूह पर 10 लाख रुपए खर्च किए जाने हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी आर के महाजन को बनाया गया बीपीएससी का नया अध्यक्ष। पूर्व आईएएस अधिकारी आर के महाजन को बीपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष शिशिर सिन्हा का कार्यकाल 19 जुलाई को समाप्त हो जाने के बाद राज्य सरकार ने आर के महाजन को यह जिम्मेदारी सौंपी है। राज्य सरकार के अपर सचिव हिमांशु कुमार राय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी थी। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी किए गए अधिसूचना के मुताबिक 1987 बैच के आईएएस अफसर आर के महाजन को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद 1 सितंबर से यानी कि आज से बीपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 14 लाख से अधिक बाढ़ प्रभावितों के खाते में अब तक भेजे गए करोड़ों रुपए। बिहार के अलग अलग जिलों में 14,14,225 बाढ़ प्रभावित परिवारों के बैंक खाते में राज्य सरकार ने 6,000 की सहायता राशि भेज दी है, जिसके बाद बिहार सरकार की तरफ से कुल मिलाकर 848,65,00,000 की राशि भेजी जा चुकी है। बाकी प्रभावित परिवारों के खाते में राशि भेजने की योजना बनाई जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र डू ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाया था, जिसके बाद इस बात की जानकारी दे दी गई है। गंगा, कोसी और पुनपुन को छोड़ सभी नदियां पहुंची लाल निशान के नीचे। बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है, जिसके तहत बिहार में गंगा, पुनपुन और कोसी को छोड़कर सभी नदियां लाल निशान के नीचे आ गई है। उनको नदियों का जल स्तर तेजी से नीचे आ रहा है। मंगलवार तक इसके अपने सीमा में आ जाने की उम्मीद जताई गई है। गंडक और बूढ़ी गंडक नदियां भी लाल निशान के नीचे दर्ज की गई है। वहीं कोसी, बलतारा और कुर्सेला में अभी भी लाल निशान के ऊपर नदियों को दर्ज किया गया था। वहीं बीते दिन तक राज्य में गंगा भी अपने 3 स्थलों पर लाल निशान के ऊपर बह रही थी। बिहार के दिव्यांग नीतीश को अजात शत्रु सम्मान से किया गया सम्मानित। बिहार के दिव्यांग नीतीश को अजात शत्रु सम्मान से सम्मानित किया गया है। वहीं गोपालगंज के रहने वाले नीतीश ने दिव्यांग होने के बाद भी दूसरे दिव्यांगों की मदद हमेशा की है। सबसे खास बात यह है कि चंडीगढ़ में आयोजित बोर्शिया प्रतियोगिता में उनके सिल्वर मेडल से उन्हें नवाजा जा चुका है। वहीं नीतीश कुमार सिंह को नेशनल कैटेगरी में अजात शत्रु सम्मान दिया गया है। कुचायकोट प्रखंड के उच्चका गांव निवासी नीतीश कुमार सिंह यह सम्मान पाने वाले देश के पहले युवक बन गए हैं। वहीं जिले के लाल को नेशनल कैटेगरी में सम्मान मिलने पर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह भी देखने को मिला है। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने की विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलने बीते दिन बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा पहुंचे थे, जहां पर इन दोनों के बीच हुई मुलाकात ने संजय झा के नेपाल के नकारात्मक रवैये का जिक्र करते हुए विदेश मंत्री से पहल करने का अनुरोध किया है। मीडिया हाउस की एक रिपोर्ट के अनुसार
संजय झा ने बताया है कि नेपाल में आने वाले पानी के चलते बाढ़ की समस्या हर साल हो जाती है, जिससे रोड, ब्रिज, बिजली के पोल सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में भी भारी नुकसान होता है। बिहार में बाढ़ की समस्या के चलते हर साल करोड़ों का नुकसान होता है, इसलिए डैम कैसे बनाए इस पर बात जरूरी है, साथ ही इसका दूसरा समाधान हो इस पर भी चर्चा होनी जरूरी है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे संदली सिन्हा की। संदली सिन्हा भारतीय बॉलीवुड अभिनेत्री और मॉडल है, जिन्होंने तुम्बिन में पिया का किरदार निभाया था और उसके बाद से वो उसी किरदार के लिए घर घर में पहचानी जाने लगी। संदली सिन्हा का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सोनू निगम के संगीत वीडियो दीवाना के साथ की थी। वहीं यह संगीत ही था जिसने संदली को उनकी पहली फिल्म तुम्बिन दिलवाया था, जिसका निर्देशन अनुभव सिन्हा ने किया था और इसके निर्माण भी उन्होंने किया था। वहीं इस फिल्म में संदली सिन्हा ने एक भोली महिला पिया की भूमिका निभाई थी। हालांकि संदली सिन्हा ने फिल्मी करियर में कुछ खास कमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने पूरे जीवन में मात्र 3 से 4 फिल्मों में ही काम किया है। हालांकि अब वो एक बेहतरीन बिजनेस महिला बन गई हैं। भाजपा किसान मोर्चा के वर्चुअल सम्मेलन में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कही अहम बात। भाजपा किसान मोर्चा के वर्चुअल सम्मेलन में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने किसानों को लेकर कई बातें कही हैं, जिसके तहत उन्होंने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि डेडिकेटेड कृषि फीडर के माध्यम से अब तक राज्य के 1,42,000 किसानों को कृषि कनेक्शन दिया जा चुका है। प्रति यूनिट 6.15 रुपए लागत की बिजली का किसानों में मात्र 65 पैसे लिया जा रहा है और 5.50 रुपए सरकार की तरफ से वहन किया जा रहा है। अगले कार्यकाल में राज्य सरकार सौर ऊर्जा आधारित कृषि पंप को साहित करेगी। वहीं किसान सौर ऊर्जा पैनल में उत्पादित अतिरिक्त बिजली विद्युत कंपनियों को बेचकर अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जा दाता भी बनेगी। बिहार के 20 शिक्षकों को शिक्षक दिवस के दिन मिलेगा सम्मान। आगामी शिक्षक दिवस के मौके पर बिहार के 20 शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने शिक्षक दिवस के मौके पर सभी शिक्षकों को पुरस्कृत करने की सूचना जारी की है। पत्र में कहा गया है कि 5 सितंबर को राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य शिक्षक पुरस्कार हेतु आप सबको सम्मानित किया जाएगा, जिसमें अरविंद कुमार चौधरी, चंद्रशेखर प्रसाद साहू, देवनारायण कामत, सदानंद पाल, डॉक्टर राम सेवक झा, डॉक्टर किरण बाला, अशोक कुमार, विनोद कुमार, प्रशांत कुमार, राजीव रंजन, अनिल ठाकुर, सुष्मिता सानियाल, ताहिर हुसैन, हुरमत बानो, पूनम कुमारी, बालकिशोर पासवान, अनिमा कुमारी, अस्मिता ठाकुर, सुनीता कुमारी और अंजना सिंह को पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का बिहार से था विशेष लगाव। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बीते दिन दुनिया को अलविदा कह दिया है, जिसके बाद राजनीति को एक करारा झटका लगा है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का बिहार के साथ विशेष लगाव था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी उनके संबंध अच्छे थे। इसी कारण से बिहार में नीतीश कुमार ने जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम किया है, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को विशेष रूप से आमंत्रित किया था। राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी 2 महीने में 3 बार बिहार आ चुके थे। साल 2012 में वो सबसे पहले बिहार दौरे पर आए थे। वहीं साल 2017 में 3 बार अलग अलग कार्यक्रम शिरकत होने वो पटना पहुंचे थे। जीतनराम मांझी की पार्टी एक बार फिर फंसी बीच मझधार। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मांझी की नाव बीच मझधार में नजर आ रही है। वहीं इनके नाव का किनारा 2 सितंबर को लगाने की उम्मीद जताई जा रही थी, मगर राजनीतिक गलियारे से आई खबरों के अनुसार 2 सितंबर की बैठक को स्थगित कर दिया गया है। पार्टी की तरफ से बताया गया है कि 2 सितंबर को जीतनराम मांझी तीसरे मोर्चे की बैठक करने वाले थे, लेकिन मांझी की यह बैठक स्थगित हो गई है। हालांकि बैठक को स्थगित किस वजह से किया गया यह जानकारी फिलहाल साझा नहीं की गई है। बिहार के 4 जिलों के 6 सड़कों को दुरुस्त करने की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। पथ निर्माण की विभागीय निवेदन समिति ने पटना की 2 योजना समेत 4 जिलों के 6 योजनाओं के लिए राशि आवंटित कर दी है, जिसके तहत पटना के 2 योजनाओं के लिए 18.90 करोड़ सहित सूबे के 4 जिलों में 6 योजनाओं के लिए 82.27 करोड़ की मंजूरी प्रदान की गई है। स्वीकृत योजना के तहत लगभग 38 किलोमीटर सड़क का जीर्णोद्धार किया जाएगा, साथ ही एक उच्च स्तरीय पुल का भी निर्माण जल्द ही किया जाएगा। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने इस बात की जानकारी दे दी है। बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज में 216 प्रोफेसर की होगी बहाली। बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रोफेसर की बहाली जल्द ही करवाई जाएगी, जिसके तहत कुल मिलाकर 216 व्याख्याता की बहाली करने की प्रक्रिया में सिविल अभियंत्र के 130 और फिर कंप्यूटर साइंस के 86 पद शामिल है। अभ्यर्थी 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए बीते दिन बीपीएससी के संयुक्त सचिव अमरेंद्र कुमार ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी है, जिसके तहत 18 सितंबर तक निबंधन की प्रक्रिया करने की अनुमति दे दी गई है। वहीं ऑनलाइन परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तारीख 30 सितंबर तक दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन संबंधी जानकारी आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर जाकर ले सकते हैं।
नीट और जेईई के परीक्षार्थियों के अभिभावक के रहने की नहीं होगी अब कोई परेशानी। नीट और जेईई परीक्षा का आयोजन लगभग तय माना जा रहा है। वहीं परीक्षा को लेकर छात्रों को होने वाली परेशानियों का निवारण भी अब किया जा रहा है, जिसके तहत छात्रों की आवाजाही का मुद्दा सबसे ज्यादा उठाया जा रहा था। वहीं अब बिहार सरकार ने अपनी तरफ से सभी को आश्वस्त किया है कि परीक्षार्थियों को आने वाले परीक्षा में कोई परेशानी नहीं होगी, जिसके तहत सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखकर यह आदेश दिया गया है कि नीट और जेईई के परीक्षार्थियों को किसी भी तरह की कोई रोक टोक ना की जाए। इसके अलावा राज्य के सभी स्थानों पर परीक्षार्थियों के अभिभावकों को भुगतान के आधार पर होटल में रहने की पूरी व्यवस्था मिलेगी। छात्रों ने किया शिक्षा मंत्री के घर का घेराव। शिक्षा मंत्री के घर का घेराव किया गया है, जिसके तहत छात्रों ने कहा है कि राज्य सरकार जहां स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं पूरी तरीके से ये सब गलत है। छात्रों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में गड़बड़ होने की बात कही है, जिसके तहत शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा की आवाज पर छात्रों ने घेराव किया है। प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं ने साफ तौर पर कहा है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दिए जाने वाले लोन उन्हें नहीं मिल रहे हैं। उच्च शिक्षा के लिए दिए जाने वाले लोन में कोताही बढ़ती जा रही है। नीट और जेईई परीक्षाओं को लेकर राज्य सरकार ने ईसीआर से किया अनुरोध। आगामी जेईई और नीट की परीक्षा को लेकर सरकार अपनी तैयारियों में लगी हुई है। वहीं अभ्यर्थियों के आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बिहार राज्य के अंदर अंतर जिला और लोकल यात्री ट्रेन के परिचालन के लिए अनुरोध किया गया है। इस संबंध में सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है। मंगलवार को परिवहन सचिव, जिलाधिकारी पटना, एसएसपी और अन्य संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक होने वाली है, ताकि परीक्षार्थियों को किसी भी तरह की समस्या न हो। बिहार में कोविड 19 का रिकवरी दर पहुंचा 87.70 पर। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, हालांकि रिकवरी दर में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोविड 19 पॉजिटिव मामलों की रिकवरी दर बढ़कर 87.70 पर पहुंच गई है। राज्य में कुल बीते दिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए अपडेट के अनुसार 90,024 कोविड 19 सैंपल की जाँच की गई थी। वहीं अब तक कुल मिलाकर 31,87,161 सैंपल की जाँच बिहार में की जा चुकी है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के रूप में संजय कुमार को मिली जिम्मेदारी। बिहार सरकार ने पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार का तबादला कर दिया है, जिसके तहत अब संजय कुमार को शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव का पद सौंपा गया है, जहां से आर के महाजन बीते दिन रिटायर हुए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना में इस बात की जानकारी दी गई है। यह भी कहा गया है कि संजय कुमार अगले आदेश तक प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिव और राज्य परामर्श समिति पटना के अतिरिक्त प्रभार में पूर्ववत बने रहेंगे। भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव में गढ़ा नया नारा। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले खेती का मुद्दा उठाया है। वहीं इसके लिए भाजपा की तरफ से नया नारा भी गढ़ा गया, जिसके तहत भाजपा ने बीते दिन आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर बिहार के नारे को अपना मिशन स्टेटमेंट बनाया है। शरद यादव के संपर्क में आए जदयू के कई नेता। शरद यादव के जदयू में शामिल होने को लेकर सियासी बाजार पूरी तरीके से गर्म नजर आ रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष रह चुके शरद यादव एक बार फिर से पार्टी में वापस लौट सकते हैं। खबरों के अनुसार शरद यादव को पार्टी में वापस लाने के लिए जदयू के कुछ बड़े नेता सक्रिय हैं। अगर ऐसा होता है तो यह विधानसभा चुनाव के पहले बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। इस मामले में बिहार के राजनीतिक गलियारे में बयानबाजी भी शुरू हो गई है। आपको बता दें, शरद यादव इस दौरान जदयू में वापस आने के बाद हुई है, जिसके बाद सकारात्मक परिणाम लाने की उम्मीद को और ज्यादा बढ़ा रहा है। कांग्रेस ने बिहार सरकार द्वारा किए जा रहे शिलान्यास को बताया ढोंग। कांग्रेस के विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा ने मुख्यमंत्री द्वारा ताबड़तोड़ किए जा रहे शिलान्यास को ढोंग बताया है। साथ ही इसे हास्यपद बताते हुए आरोप भी लगाया है कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार शिलान्यास करने का और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा है कि पिछले 10 दिनों में जिस तरह से एक तरफ हजारों योजनाओं का ताबड़तोड़ शिलान्यास हो रहा है और दूसरी तरफ 500 से अधिक मनपसंद अधिकारियों की अब तक ट्रांसफर पोस्टिंग की जा चुकी है, यह बताने के लिए काफी है कि सरकार में बैठे लोगों में हड़बड़ाहट और घबराहट दोनों आ गई है। उन्होंने साफ कहा है कि अब यह सब हथकंडे चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से अपनाए जा रहे हैं। सुरेश रैना की टीम से बाहर होते ही भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी ने धोनी को दिया अहम सुझाव। सुरेश रैना की टीम से बाहर होते ही भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने महेंद्र सिंह धोनी को अहम सुझाव दिया है, जिसके तहत उनका मानना है कि आईपीएल में सुरेश रैना के हटने के बाद महेंद्र सिंह धोनी को चेन्नई सुपर किंग्स में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने का बेहतरीन मौका मिला है, इसलिए अब उन्हें तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करनी चाहिए। सुरेश रैना की तरफ से निजी कारणों का हवाला देकर बाहर निकलने के बाद गंभीर को लगता है कि एक साल से अधिक समय से खेल से दूर धोनी को अधिक से अधिक गेंद खेलने का प्रयास करना चाहिए। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यह महेंद्र सिंह धोनी के लिए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने का अच्छा मौका है।
व्हाट्सएप के प्राइवेट चैट को सीक्रेट रखना हुआ अब आसान। अगर आप भी व्हाट्सएप पर अपने प्राइवेट चैट को सीक्रेट रखना चाहते हैं तो आपके लिए आज हम कुछ उपाय बताने वाले हैं, जिसके तहत सभी यूजर जिन चैट्स को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते उस पर्सनल चैट को बिना डिलीट किए आसानी से छिपा सकते हैं। सबसे पहले व्हाट्सएप को आप ओपन करें, इसके बाद जो चैट को आप छिपाना चाहते हैं उस पर थोड़ी देर प्रेस करके रखें। अब आपको आर्काइव ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। इतना करने के बाद आपका निजी चैट छिप जाएगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है हिमांशु राज, अमित कुमार, अजय कुमार यादव, चुन्नू कुमार यादव, सिद्धार्थ राज, बबीता यादव, जामिया अशरफुल, अरुण कुमार, मिथिलेश कुमार, आकाशदीप पुन्ना, पंडित राजीव कुमार, अमन टैगोर, निकू कुमार, हरिराम कुमार, सोमनाथ कुमार, विजय स्टडी जोन। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आईपीएल से सुरेश रैना के टीम से बाहर जाने के बाद महेंद्र सिंह धोनी को तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करनी चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।